हाय एवरीबॉडी आज मैं आप लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए हमें ओवेरियन साइकिल समझना ज़रूरी है ये ओवेरियन साइकिल है एक ऐसा साइकिल है जो हमारे ओवरीज के अंदर मंथली चलता रहता है सो वेन फीमेल चाइल्ड इज़ बॉर्न उसके ओवरीज में बहुत सारे लैक्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं बाय द टाइम शी रीचेज द एज ऑफ प्यूबर्टी बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाते हैं और जो बचते हैं वो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक हर मंथ ओवा रिलीज करते हैं मैच्योर होकर सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवेरियन साइकिल जब हमारे ब्लड में ईस्ट्रोजन uh, और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है तभी हाइपोथलमस जीएनआरएच रिलीज करता है एज यू रिमेंबर दैट हाइपोथैलमस एंड पिट्यूट पिट्यूटरी ग्लैंड बोथ वर्क एज ए यूनिट सो जब गोनाइडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन रिलीज होता है तो इट स्टिमुलेट्स एंटीरिया पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस एफ एंड एल दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन सो फॉलीकल स्टिमुलेटिंग हारमोन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है इट स्टिमुलेट्स प्राइमरी फॉलिकल टू मैच्योर सो बिकॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ एफ एस एच प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर होने लगता है एंड दिस मैच्योरिंग प्राइमरी फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलीकल यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिसज आर द स्मॉल प्राइमरी फॉलिकल जो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है एंड दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल इन द ग्राफियन फॉलिकल यू कैन सी दैट दिस इज ओवा एंड दिस इज द सिस्टिक फ्लूड विच इज़ कलेक्टिंग इन साइड द ग्राफियन फॉलिकल ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वाइल मेच्योरिंग इट इज़ प्रोड्यूसिंग इस्ट्रोजन और ये इस्ट्रोजन का दो इफेक्ट होता है एक तो बिकॉज ऑफ दिस इस्ट्रोजन इट कॉजेज इस्ट्रोजन कॉजेज रीजनरेशन ऑफ एंटोमेट्रियम दिस इज टेकिंग प्लेस इन द यूट्रस और जैसे जैसे इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है जो एल एच है उसका भी लेवल बढ़ता है दैट इज़ कॉल्ड एज एल एच सर्च और एल एच सर्च की वजह से अराउंड फोर्टीन डे ऑफ साइकिल ओव्यूलेशन होता है ओव्यूलेशन इज वेन दिस ग्राफियन फॉलिकल इज मेच्योर्ड देन इट लिबरेट्स ओवा एंड वॉट रिमेन्स बिहाइंड इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम जो एम्टी फॉलिकल पीछे बचता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम और येलो बॉडी और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज ओवरी इसमें बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उसमें से एक ही फॉलिकल जो है वो मेच्योर हो रहा है दिस मेच्योरिंग फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल और ये इस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है ना यू कैन सी दिस इज ओव्यूलेशन आफ्टर ओव्यूलेशन ओवा इज लिबरेटेड आउट ऑफ ओवरी और पीछे जो एम्टी फॉलिकल है दिस इज येलो इन कलर दिस इज कॉल्ड येलो बॉडी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रॉन ओके देन आफ्टर दिस एज आई ऑलरेडी टोल्ड ये जो है कॉर्पस क्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन जो प्रोड्यूस कर रहा है इसका असर जो है एंडोमेट्रियम पर इस तरह से होता है कि एंडोमेट्रियम और भी ज़्यादा एडिमेटस और सिक्रेटरी होने लगता है एंड इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस फॉर सम डेज देन ये कॉर्पस कल्यूटियम डिजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिगन्स बन जाता है दैट इज कॉल्ड एस वाइट बॉडी

ओके okay. uh, वैसे ये ट्वेंटी एट डेज साइकिल होता है लेकिन कुछ वुमेन में ये ट्वेंटी एट डेज से कम भी हो सकता है जैसे ट्वेंटी टू डेज ट्वेंटी फाइव डेज और किसी किसी में थर्टी फाइव डेज थर्टी एट डेज लाइक दैट इट कैन बी मोर और लेस इन सम ऑफ द वुमेन अदरवाइज नॉर्मली ये ट्वेंटी एट डेज का होता है सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी एट डेज साइकिल सो दिस फेज कंसिस्ट ऑफ सॉरी सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ थ्री फेजिज सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फ़ेज जो फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक चलता है दैट इज फर्स्ट डे इज़ द डे वी स्टार्ट ब्लीडिंग फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ आवर साइकिल ओके सो एज आई टोल्ड इन ओवेरियन ओवेरियन साइकिल की जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और उस वजह से इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होने लगता है दैट इज इट डिक्रीजेस सो दैट लीड्स टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम दैट इज मैंस्ट्रोअल फेज और ये फिफ्थ फाइव डेज तक रहता है द शेड ऑफ द एमेंस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंडोमेट्रियल सेल्स ब्लड फ्रॉम ब्रोकन कैपिलरीज एंड अनफर्टिलाइज एग सो दीज आर द थिंग्स विच कम आउट इन द मैंस्ट्रल फ्लो उसके बाद में सेकेंड फेज है प्रो लाइफरेटिव फेज दिस इज फ्रॉम द सिक्स डे टू फोर्टींथ डे जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वेरियंस साइकिल में बताया कि यहाँ पर ग्राफियन पॉलिकल इस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है so the rising this estrogen is causing regeneration of the endometrium in the uh, our uh, uterus so under the effect of uh, estrogen endometrium starts regenerating and it becomes more and more thick and vascular फिर ऑन ऑन अराउंड फोर्टीथ डे अगर ट्वेंटी डेज का साइकिल है तो फोर्टीन डे के टाइम पर ओव्यूलेशन होता है एंड आफ्टर ओवुलेशन न्यू फेज स्टार्ट्स अगर फोर्टीनथ डे के पहले ओवुलेशन हो रहा है तो देन इट विल स्टार्ट अर्ली अगर फिफ्टीन डे हो रहा है तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा तो ओवुलेशन इज़ ऑलवेज सॉरी द नेक्स्ट फेज इज़ ऑलवेज़ आफ्टर ओव्यूलेशन सो द नेक्स्ट फेज इज सिक्रेटरी फेज जो फिफ्टींथ डे से ट्वेंटी एथ डे तक होता है दिस इज दिस इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एज आई टोल्ड हेयर एज आई टोल्ड हेयर दैट कार्पस ल्यूटियम जो है uh, यहाँ पे ओबुलेशन के कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है एंड दिस स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है और उसमें प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से एंडोमेट्रियम और भी ज़्यादा एडिमेटस और सिक्रेटरी होने लगता है एंड अगेन द सेम थिंग्स इफ देर इज थिंगपन्स दैट इज इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस कॉर्पस ल्यूट्रियम डिजनरेट हो जाता है एंड देर इज डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रन एंड शेडिंग ऑफ द एंडोमिट्रियम एंड अगेन न्यू साइकिल बिगेन्स दैट इज मैंस्रोल फेज सो सेम थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम अगेन यहाँ पे दो साइकिल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक, एक साइकिल जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और दूसरा जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है सो यू कैन सी यहाँ पे दो तीन चीज़ें दिखाई दे रही है एक तो यहाँ ओवरी है ओवरी के अंदर में जो चेंजेस uh, हो रहा है जो फॉलिकल मेच्योर हो रहा है दैट इज़ दिस देन यहाँ पे यू कैन सी द लेवल ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है एंड दीज आर द डेज ऑफ आवर मैं मैंसुरल साइकिल जीरो डे टू थर्टी डे एंड यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग इन द यूट्रस इन द एंडोमेट्रियम ये यहाँ पर दिखाया गया ठीक है सो वी विल सी फ्रॉम वंस अगेन हाइपोथेलमस जो है वो जे एन आर एच रिलीज करता है बिकॉज ऑफ जी एन आर एच स्टिमुलेट्स एंटी रेपिटरी ग्लैंड टू रिलीज एफ एस एच एंड एल एच विच एक्ट्स ऑन ओवरी एंड बिकॉज ऑफ एफ एस एच ओवरी में एक प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर हो रहा है यहाँ पे यू कैन सी दैट शुरू के फाइव डेज में यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है सो एंडोमेट्रियम इज शेडिंग ओके सो एंड अराउंड फिफ्थ डे देर इज़ प्राइमरी फॉलिकल विच इज गेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ये मेच्योर हो रहा है यू कैन सी दिस सो दिस इज ग्राफियन फॉलिकल देन इन मिडल ऑफ साइकल एंड दिस मैच्योरिंग एंड ग्राफियन फॉलिकल इज प्रोड्यूसिंग इस्ट्रोजन सो यू कैन सी कि यहाँ पर धीरे धीरे इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है और ये मैच्योरिंग आफ्टर दिस मैच्योर्स ओविलेशन टेक्स प्लेस सो ओविलेशन होने के बाद में यू कैन सी दैट ये कॉर्पस कॉर्पस्यूटियम फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ विच इस प्रॉ पे प्रोजेस्ट्रॉन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया ओके okay? सो so, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी बढ़ रहा है एंड यू कैन सी बिकॉज ऑफ इस्ट्रोजन यहाँ एंडोमेट्रियम धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा है और जब प्रोजेस्ट्रॉन का प्रोडक्शन होने लगता है तो एंडोमेट्रियम फिर से ज़्यादा थिक और एडिमेटस होने लगता है

एंडोमेट्री एम बींग लाइक मैच्योरिंग द एंडोमेट्रीम इज बींग मेड और उस यहाँ पर ओविलेशन हुआ ओविलेशन होने के बाद दिस इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड सो वंस इफ दिस इज फर्टिलाइज्ड दैन दिस फर्टिलाइज ओ एम दैट दैट इज आई गोड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ हॉर्मोन कॉल्ड एस एच सी जी दैट इज ह्यूमन कॉरियोनिक गॉडिटेड रोफिन एंड वंस एच सी जी प्रोडक्शन स्टार्ट्स द कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स द मैसेज कि प्रेग्नेंसी हैज़ बिगन सो इट डज नॉट डीजनरेट यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं हो रहा है यू कैन सी इट इज इट इज स्टिल सेम साइज एंड इट इज गोइंग ऑन प्रोड्यूसिंग इस्ट्रोजन प्रोजेस्टरन सो यू कैन सी यहाँ इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरन का लेवल जो है हमारे ब्लड में कम नहीं हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है वो शेड नहीं होगा एंड प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू सो इन शॉर्ट वॉट यू कैन अंडरस्टैंड इज इफ द प्रेगनेंसी अकर्स देन मैंसुरेशन इज सप्रेस्ड so i hope that this video is clear and menstrual cycle topic is clear to all of you uh, please keep sharing my videos and keep watching thank you and bye bye